हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक पिछले लेक्चर में हमने परसेंटेज का टॉपिक कंप्लीट किया था और इस लेक्चर में हम अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे टॉपिक का नाम है एवरेज और ये पहला लेक्चर है इसका इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक पढ़ेंगे एवरेज के रिलेटेड और कुछ फार्मूले मैंने लिखे हैं यही पढ़ेंगे इस लेक्चर में और ये इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे पहला फार्मूला है हमारा एवरेज के रिलेटेड एवरेज की डेफिनेशन क्या है एवरेज इक्वल टू ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हो उनका एवरेज निकालना हो तो वो क्या होगा वो होगा उनका सम करना है उनको ऐड करना है और डिवाइड करना है जितनी वो ऑब्जर्वेशंस है जैसे लेट द एन क्वांटिटीज बी एक्स वन एक्स टू एंड सोन टू एक्स एन देन एवरेज और मीन इक्वल टू कोई एन क्वांटिटीज है एक्स वन एक्स टू एंड सोन टू एक्स एन तो इनका एवरेज या मीन क्या निकलेगा तो वो होगा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एंड सोन टू एक्स एन वही लिखा हमने सम ऑफ ऑब्जरवेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है एन है तो ये रहा इसका फार्मूला तो एवरेज को हम मीन भी कहते हैं एग्जाम में हो सकता है वहां पे ऐसे ही पूछा जाए मीन क्या है तो वहां पे आपने मतलब है एवरेज निकालनी है और इसको हम समीशन मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में समिशन आई गोज फ्रॉम वन टू तो एन एक्स आई अपॉन एन जो हमने ये लिखा ऊपर इसके लिए समीशन लिखा इसका मतलब है हम आई की जगह वन की ये आई की जगह वैल्यू पुट करेंगे वन से एन तक और ऐड करते रहेंगे जैसे जब वन पुट करेंगे बनेगा एक्स वन फिर ऐड करेंगे फिर टू पुट करेंगे बनेगा एक्स टू फिर ऐड करेंगे तो वही यही आएगा शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं हो सकता है एग्जाम में ऐसे भी पूछा हो उन्होंने डायरेक्टली और इसके लिए जैसे एग्जाम्पल है फाइंड द एवरेज ऑफ टू थ्री सिक्स फोर टेन हमने एवरेज निकालनी है टू थ्री सिक्स फोर टेन की तो वो वो क्या होगी जैसे ऊपर फार्मूला हमने लिखा समर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो इनको ऐड करेंगे पहले ऊपर नोमिनेटर में टू प्लस थ्री प्लस सिक्स प्लस फोर प्लस टेन और डिनोमिनेटर में कितना आएगा नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन कितनी है वन टू थ्री फोर फाइव तो आया फाइव इसको जब ऐड करेंगे टू प्लस थ्री फाइव फाइव प्लस सिक्स अलेवन अलेवन प्लस फोर फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस टेन ट्वेंटी फाइव यह आएगा ट्वेंटी फाइव बाई फाइव तो वो आएगा जब इसको डिवाइड करेंगे फाइव से तो आएगा फाइव 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 जो ट्वेंटी फाइव तो ये इस सीरीज का एवरेज क्या है हमारे पास फाइव नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी फाइंड द एवरेज ऑफ सेवेंटी एट सिक्सटी नाइन फिफ्टी फोर ट्वेंटी वन नाइनटी फोर फोर्टी एट सेवेंटी सेवन इन नंबर्स की हमने एवरेज निकालनी है तो सेम फार्मूला लगेगा हमारे जो ऊपर हमने लगाया ऊपर वाली एग्जाम्पल में इनको पहले एड करेंगे ऊपर और नीचे लिखेंगे जितने ये हैं जितनी टर्म्स हैं सेवेंटी एट प्लस सिक्सटी प्लस फिफ्टी फोर प्लस ट्वेंटी फोर प्लस फोर्टी एट प्लस सेवन कितने ये टोटल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन है टोटल तो अपान में आया सेवन इसको जब ऐड करेंगे आएगा फोर फोर वन अपान सेवन तो जब फोर फोर वन को सेवन से डिवाइड करेंगे करेंगे आएगा सिक्स थ्री अब देखो अगर एग्जाम में आप डायरेक्टली तो ऐसे भी कर सकते है कोई जिसकी फास्ट कैलकुलेशन है मैं ऐसे भी कर सकता हूँ इसको लेकिन अब किसी को थोड़ा दिक्कत आती है ऐसे तो वर्टिकली भी नहीं कर सकता वो इतना लंबा वो लंबा हो जाएगा इतना लिखना तो वो आप मैंने मैंने पहले भी सिखाया है आपको मैं ऐसे भी वही मेथड यूज कर रहा हूँ जो मैं अभी बता रहा हूँ कि इसे डायरेक्टली आपने ऐड करना है ये आया वन वंस प्लेस पे ये टेन्स प्लेस पे ये भी वन ये टेन सी 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 वन ये टेंस मतलब ये टू टू डिजिट हैं तो ये सेम है तो हमने सेम प्लेस वैल्यू को ऐड करना है वंस को वंस के साथ टेंस को टेंस के साथ अगर ज्यादा होता किसी में जैसे इधर और कुछ होता तो वह बनता हंड्रेड प्लेस उसको हंड्रेड से करना है ऐड अब देखो सेवन प्लस एट फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस फोर नाइनटीन नाइनटीन प्लस वन ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस फोर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर प्लस नाइन थर्टी थ्री एंड थर्टी थ्री प्लस एट फोर्टी वन फोर्टी वन का आया वन इधर कैरी रहा फोर अब टेंस वाले ऐड करेंगे सेवन प्लस फोर अलेवन अलेवन प्लस नाइन ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस टू ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू प्लस फाइव ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन प्लस सिक्स थर्टी थ्री थर्टी थ्री प्लस सेवन फोर्टी और फोर जो कैरी वाला बचा था फोर्टी प्लस फोर फोर्टी फोर लिखो इधर फोर्टी फोर तो यही आया डायरेक्टली अपॉन सेवन तो अब डिवाइड भी अगर हम या तो वैसे करना अगर ना आए तो डायरेक्टली ड्रा, भी कर सकते हैं जैसे मैंने बोला आपको डिवाइड हम करते हैं लेफ्ट से राइट की ओर सेवन सिक्स फोर्टी टू फोर्टी टू में से फोर्टी फोर में फोर्टी टू गया क्वेश्चन में आया इधर सिक्स में हमने लिख दिया सिक्स तो फोर्टी फोर में जब फोर्टी टू गया कितना बचा टू टू सेवन से डिवाइड नहीं होगा तो लगाया ये जोड़ा इसके साथ वन बना ट्वेंटी वन सेवन थ्री इधर ट्वेंटी वन तो इसका आंसर आया सिक्सटी थ्री तो ऐसे कर सकते हो आप कैलकुलेशन ऐसे भी कर सकते हो सेवेंटी एट को जैसे सेवेंटी एट को हमने एटी बनाया माइंड में ही और इसको बनाया सेवेंटी 80 प्लस 70 कितना हुआ वन फिफ्टी लेकिन दो इधर एक्स्ट्रा डाले थे हमने 78 एट से एटी के लिए और एक इधर तो वो थ्री माइनस करना है बना वन फोर्टी सेवन फिर जब इसको ऐड करेंगे फिफ्टी फोर को पहले फिफ्टी को ऐड करो वन फोर्टी सेवन प्लस फिफ्टी वन नाइन्टी सेवन फिर ये फोर भी ऐड करो टू फोर्टी टू हंड्रेड वन फिर ट्वेंटी वन को करो टू ट्वेंटी टू फिर नाइन्टी सिक्स नाइन्टी फोर है इसको हंड्रेड मान के चलो टू ट्वेंटी टू प्लस हंड्रेड थ्री ट्वेंटी टू लेकिन सिक्स यहां पे सिर्फ नाइन्टी फोर था हमने सिक्स कम करना है ये बना थ्री सिक्सटीन बस ऐसे ही कर सकते हो आप और या फिर वैसे जैसे मैंने पहले बताया वो ज्यादा ठीक है क्योंकि उसमें गलती होने के कम चांस है और हमारा फार्मूला नंबर टू है एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स फर्स्ट एन नेचुरल नंबर की एवरेज क्या होगी आर इसी को हम लिख सकते हैं एवरेज ऑफ एन नेचुरल नंबर्स फर्स्ट एन मगर फर्स्ट एन कंजेक्टिव नंबर दैट इज एवरेज ऑफ वन टू थ्री फोर फाइव एंड टू एन इनकी एवरेज क्या है नेचुरल नंबर कौन से होते हैं वो मैंने आपको लेक्चर वन में ही बता दिया है नेचुरल नंबर होल नंबर और इंटीजर्स तो नेचुरल नंबर वो होते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं वन टू थ्री फोर सो सन और यहाँ पर बता बो, है एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स तो वो ये आए वो क्या होगी एन प्लस वन अपान टू एन क्या होगा एन होगा नंबर ऑफ जितनी वो टर्म्स होंगी जैसे इधर तक ही अगर होता है वन टू थ्री फोर इनकी एवरेज निकालनी होती तो ये आता कितनी टर्म्स हैं चार हैं तो एन की जगह आता फोर फोर प्लस वन अपान टू लेकिन ये ख्याल रखना जब भी फर्स्ट एन होगा तो ये फार्मूला यूज करना ये डायरेक्ट निकालेगा तो इससे भी निकाल सकते हैं हम लेकिन ये लेंथी है तो जब फार्मूला तब ये अप्लाई करना जब फर्स्ट एन जब वन से स्टार्ट हूं मतलब फर्स्ट नेचुरल से स्टार्ट हूं और कंजक्टिव हूं बीच में कोई ब्रेक ना हो वन टू तो, थ्री फोर ये कंटिन्यू हो फिर एन प्लस वन अपॉइट टू होगा जैसे इधर मैंने एग्जांपल में बताया है एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर फर्स्ट टेन नेचुरल नंबर की एवरेज हमने बतानी है दो मेथड से करेंगे दैट इज एवरेज ऑफ फर्स्ट टेन कौन से हैं। वन से लेकर टेन तक जो नंबर है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन नाइन टेन तो वो कितनी होगी फार्मूले के हिसाब से एन प्लस वन अपान टू यहां पे एन कितना है कितनी टर्म्स है one, two, three, मतलब टेन है टेन प्लस वन अपान वही था फार्मूला और एन प्लस वन अपान टू टेन प्लस टेन प्लस अलेवन बाई टाइव पॉइंट फाइव तो 11, या इसकी एवरेज फाइव पॉइंट फाइव अगर जो हमारा फार्मूला नंबर वन था ऐसे करेंगे तब भी यही आएगा आर बाई एबो मैथड एवरेज इक्वल टू वन प्लस टू ऑब्जर्वेशन किया हमने अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है टेन जब इसको सम करेंगे वन प्लस ट्वेंटी ट्वेंटी एट एट थर्टी सिक्स नाइन फोर्टी फाइव टेन फिफ्टी फाइव आया फिफ्टी फाइव बाई टेन इक्वल टू फाइव पॉइंट फाइव सेम आएगा लेकिन ये थोड़ा लेंथी है इधर देखो एक एक पल में निकल जाता है क्वेश्चन लेकिन सिर्फ ख्याल रखना अगर फर्स्ट एन हो जब फर्स्ट नेचुरल नंबर से स्टार्ट हो और कंजक्टिव हो तो फिर यह अप्लाई कर सकते हो अगर जैसे इधर है बीच में कोई नंबर बीच में तो यहाँ ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते यहां आप यही वाला मेथड अप्लाई कर सकते हो फर्स्ट वाला जो हमने यूज किया अब नेक्स्ट है फार्मूला नंबर थ्री हमारा एवरेज ऑफ फर्स्ट एन कंजक्टिव इवन नंबर फर्स्ट एन यहाँ पे भी फर्स्ट से स्टार्ट मतलब फर्स्ट इवन नंबर से स्टार्ट करना है और कंजक्टिव होने चाहिए बीच में ब्रेक नहीं होने चाहिए फर्स्ट एंड कंजेक्टिव इवन नंबर की एवरेज क्या होगी एन प्लस वन एन क्या है नंबर ऑफ जितने लिए नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज एवरेज ऑफ़ इवन नंबर कौन से होते हैं जो टू से डिवाइड होते हैं ये मैंने लेक्चर फाइव में बताया इवन नंबर आर्ट नंबर प्राइम नंबर एट्सट्रा कंपोजिट नंबर वो सारा लेक्चर नंबर फाइव में आप देख सकते हो अगर आपको इन चीज़ों का पता नहीं है तो इवन नंबर वो होते हैं जो टू से डिवाइड होते हैं तो उनकी एवरेज क्या होगी एन प्लस वन वही मैंने नीचे लिखा दैट इज एवरेज ऑफ टू फोर सिक्स एट एन सेवन टू टू एन टू एन इसलिए क्योंकि एवन नंबर है ये टू से डिवाइड होते हैं तो शॉर्ट फॉर्म होती है एवन की टू टाइम्स एन टू आया फॉर्मूले का और एन है ये नेचुरल नंबर तो इसकी क्या एवरेज है ये एन प्लस वन इवन नंबर की जैसे इसकी एग्जांपल हम करेंगे एवरेज ऑफ आव टू फोर सिक्स एट टेन फर्स्ट इवन नंबर से ही स्टार्ट हो रहा है वही फार्मूला भी बता रहा है फर्स्ट से होना चाहिए और कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए कंजेक्टिव होने चाहिए ठीक है तो हमने लिया तो एवरेज क्या फार्मूला क्या बताता एन प्लस वन बस एन प्लस वन एंड मतलब कितनी ये टर्म्स है अब देखो कितनी है वन टू थ्री फोर फाइव वही लिखा हमने फाइव और प्लस वन फार्मूला प्लस वन बना सिक्स फाइव प्लस वन सिक्स डायरेक्टली आपका क्वेश्चन मतलब पांच सेकेंड में ये क्वेश्चन निकल सकता है आपका अब देखो अगर हम फार्मूला मेथड वन अप्लाई करते फार्मूला नंबर वन ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो सम करेंगे पहले टू प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस एट प्लस टेन वही मैंने इधर लिखा है और फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है फाइव है लिखा अपन में फाइव इसको जब सम करेंगे ये बनेगा टू प्लस फोर सिक्स 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 प्लस सिक्स ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस एट ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस टेन थर्टी थर्टी को जब फाइव से डिवाइड करेंगे सिक्स आएगा सेम आएगा लेकिन फार्मूले से शॉर्ट होगा जब भी फर्स्ट एन कन्जेक्टिव इवन मतलब फर्स्ट इवन नंबर से स्टार्ट हो और कंजेक्टिव हो तो आप ये फार्मूला सीधा डायरेक्ट लगाना एन प्लस वन निकलेगी और नेक्स्ट है हमारा फार्मूला नंबर फोर ये मैं सीरियली लिख रहा हूं ताकि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा वहां मैं रेफरेंस भी दूंगा लिखता भी हूं उधर में लेकिन रेफरेंस भी दूंगा कि कौन सा फार्मूला हमने यूज किया है और वो है हमारा फार्मूला नंबर फोर है एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स पीछे हमने किया नेचुरल नंबर्स ये भी फर्स्ट एन मतलब फर्स्ट ऑड नंबर से स्टार्ट होगा और एन तक एन कोई ऑड नंबर है तो यहां तक जितने भी होंगे उनकी एवरेज निकालेंगे और कंजेक्टिव होने चाहिए फर्स्ट एंड कंजेक्टिव आर्ड नंबर यहां पे कंजेक्टिव लिखना फर्स्ट एंड कंजेक्टिव नंबर्स। दैट इज एवरेज ऑफ आर्ड नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं वन वन से फिर वन थ्री फाइव सेवन नाइन अलेवन एंड सॉन टू टू एन माइनस वन टू एन माइनस वन ये जनरल फॉर्म है आर्ड नंबर की और आठ नंबर वो होते हैं जो टू से डिवाइड नहीं होते हैं इवन होते हैं जो टू से डिवाइड होते हैं तो इनकी एवरेज की किसके बराबर है एन के बराबर जब आठ नंबर हो वन से स्टार्ट हूं और कंजक्टिव हूं एन तक तो एन होगा जो लास्ट वाला होगा वो इनकी लास्ट वाला नहीं जितने वो होंगे तो वही एवरेज होगी ये नहीं समझना की लास्ट ला, लास्ट यहां पे टू एन माइनस वन है जितने ये होंगे उतनी एवरेज होगी जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ये है एवरेज ऑफ वन थ्री फाइव सेवन नाइन ये कितने हैं पांच हैं तो एवरेज डायरेक्टली एवरेज कितनी होती है एन मतलब नंबर ऑफ जितने वो नंबर्स हैं तो यहाँ पे पांच है तो आया डायरेक्टली फाइव अगर हम वो फार्मूला अप्लाई करते फर्स्ट तो ऐड करना था सम ऑफ समर्वेशन वन प्लस प्लस नाइन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं पांच डिवाइडेड बाई फाइव तो इसको जब ऐड करेंगे प्लस सेवन सिक्सटीन प्लस नाइन ट्वेंटी फाइव वही लिखाई था ट्वेंटी फाइव अपान में फाइव हो वाला तो फाइव फाइव था ट्वेंटी फाइव सेम ही आएगा लेकिन फार्मूला से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं और ये फार्मूला याद करना उतना ज्यादा इनमें है नहीं एक दो बार पढ़ लेना ये याद रह जाएंगे क्योंकि ये हेल्पफुल रहेंगे आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन करने में ये आपका टाइम बहुत बचाएंगे नेक्स्ट है हमारा फार्मूला नंबर फाइव एवरेज ऑफ कंजेक्टिव नंबर्स कंज अब कोई भी कंजेक्टिव जैसे हमारा फार्मूला टू था एवरेज आवरे, ऑफ आव फर्स्ट एन कंजेक्टिव नंबर था वहां पे था वेट में वो दिखाता हूं आप ये फार्मूला ये था एवरेज ऑफ आव फर्स्ट एन कंजेक्टिव नेचुरल नंबर एन प्लस वन अपॉइंट टू फर्स्ट एन मतलब वन से स्टार्ट होने चाहिए तो फिर एन प्लस वन अपॉइंट टू थी एवरेज ले, लेकिन जो अभी वाला फार्मूला है ये है एवरेज ऑफ कंजेक्टिव नंबर कोई भी कंजेक्टिव नंबर लेंगे हम बीच में से भी ले सकते हैं जरूर नहीं है वो फर्स्ट से स्टार्ट हो तो वो के, कितनी होगी फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन टू ठीक है जैसे एग्जाम्पल से हम करेंगे एवरेज ऑफ हमने वहां पे तो फर्स्ट से देखना था यहां पे फर्स्ट से देखने की जरूरत नहीं है कोई भी है तो हमने लिया हंड्रेड हंड्रेड वन हंड्रेड टू तीन नंबर ले इनकी एवरेज निकालनी है एवरेज इक्वल टू फर्स्ट नंबर फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास हंड्रेड प्लस लास्ट नंबर लास्ट नंबर क्या वन जीरो टू डिडेड बाय टू तो वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट की हमने दो सौ दो डिवाइड करें दो से अगर हम वो फार्मूला अप्लाई करते फार्मूला नंबर वन ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फिर भी यही आता इन तीनों को ऐड करते हंड्रेड प्लस हंड्रेड प्लस वन प्लस हंड्रेड प्लस टू अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तीन तो ये कितना आता सो प्लस सौ प्लस सौ तीन सौ पर एक प्लस दो तीन कितना बना तीन सौ प्लस तीन तीन सौ तीन वही लिखा थ्री जीरो थ्री अपन थ्री तो ये भी आता वन जीरो वन तीन सौ तीन को जब तीन से डिवाइड करेंगे एक सौ एक ही आएगा हमारे पास आंसर ये फार्मूला भी बहुत हेल्पफुल रहेगा यहाँ से भी डायरेक्टली निकलेगा क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फार्मूला नंबर सिक्स एवरेज ऑफ स्क्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर यहाँ पे फिर फर्स्ट आया लेकिन यहाँ पे इस बार स्कैर्स है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है और उनका स्क्यर करना है तो उसकी एवरेज क्या आएगी एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स ठीक है दैट इज जो हमने ऊपर लिखा वही मैं इधर बता रहा हूं डेट इज एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर स्क्र ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर होते वन टू थ्री फोर ये सो वन टू एन तक लेने हैं और इनका स्क्वायर सबका स्क्वायर तो इस टर्म इस जो यहां पे लिखा वन स्क्वेयर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर फोर स्क्वेयर अप टू एन स्क्वायर इसकी एवरेज कितनी होगी एन प्लस वन टू तो एन प्लस वन अपन सिक्स ठीक है और एवरेज यहां पे भी है नंबर एन जो है ये नंबर ऑफ टर्म्स है कितने कितनी का हमने ये लिखा जैसे एवरेज ऑफ वन स्क्र प्लस टू वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर फोर स्क्वायर इस चीज की जब हमने एवरेज निकालनी होगी वो कितनी होगी एन कितना है इस बार एन प्लस वन टू एन प्लस वन पांच सी इसमें एन की वैल्यू पुट करनी है वन टू थ्री फोर फोर ही टर्म्स हैं एन है नंबर ऑफ टर्म्स तो चार ही हैं तो लिखा हमने फोर एन प्लस वन फोर प्लस वन फिर है ब्रैकेट टू टू एन प्लस वन टू एन प्लस वन टू

और इधर लगा ऊपर लगा जीरो सिक्स फाइव इधर थर्टी आया सेवन पॉइंट फाइव ये मैंने आपको बताया भी है कि हम कैसे डायरेक्टली डिवाइड करते हैं जब हमने डेसिमल का टॉपिक पढ़ा था तो ये था स्क्वायर के लिए अब सेम फार्मूला है क्यूब्स के लिए एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ एंड नेचुरल नंबर्स दैट इज एवरेज ऑफ वन क्यूब टू क्यूब थ्री क्यूब एंड सो ऑन टू एन क्यूब इक्वल टू ऊपर था स्क्र ऑफ एन नेचुरल नंबर और यहां पे है क्यूब्स मतलब वैसे ही नंबर है लेकिन पावर थ्री होगी तो वो कितनी होगी एन इन एन प्लस वन स्क्र अपॉन फोर लेकिन ये याद रखना कि ये होल स्क्वायर नहीं है स्क्वायर सिर्फ एन प्लस है।, है और कहीं पे ये फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है एन सेपरेट ये वाला और एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क् होगा ठीक है वो कैसे देखो जब हम इस ओपन करेंगे तो यही आएगा ऊपर एन प्लस वन का स्क्वेयर नीचे भी आएगा टू का स्क्वेयर तो टू का स्क्वेयर है फोर ऐसे बट जो ये एन है इस इसपे नहीं है ब्रैकेट ये एन ब्रैकेट से बाहर है ये वाला इस इसपे कुछ भी नहीं है पावर पावर सिर्फ इनको है तो इसको जब ओपन करेंगे ये बनेगा एन प्लस वन का स्क्वेयर वही है ऊपर और ये टू का स्क्वेयर फोर और ये है तो ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है और ये था एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ एन नेचुरल नंबर्स अब है फॉर्मूला नंबर एट एवरेज ऑफ एन मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर किसी नंबर के एन मल्टीपल्स है उनकी एवरेज निकालनी है वो कितनी होगी नंबर इन एन प्लस वन टू ठीक है मल्टीपल्स क्या होते हैं ये भी मैंने लेक्चर नंबर फाइव में बताया है फैक्टर मल्टीपल वहां पे सारा डिटेल में है विद एग्जांपल्स तो वहां पे अगर आपको पता नहीं होगा तो ये देख सकते हैं मल्टीपल वो होते हैं जो किसी नंबर के टेबल में आते हैं ये मैंने वहां पे भी बताया है जैसे टू है टू के मल्टीपल्स क्या होंगे जो टू के टेबल में आएंगे टू वन जेड टू 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 जैड फोर टू थ्री जै सिक्स ये सारे इसके मल्टीपल्स हैं टू फोर सिक्स एट टेन क्योंकि ये टू के टेबल में आते हैं वो हुए मल्टीपल्स फैक्टर वो होते हैं जो किसी नंबर को डिवाइड करते हैं ठीक है किसी और जो मल्टीपल होते हैं किसी नंबर के इनफाइनाइट होते हैं जैसे टू के ये टेबल में जितना हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो टू ये इसके मल्टीपल मल्टीपल्स हमें मिलते जाएंगे टू वन जर टू फिर टू टू जर फोर आएगा फिर सिक्स आएगा एट टेन और इनफाइनाइट हैं और यहाँ पर बोला है एन मल्टीपल्स कोई भी एन मल्टीपल लिए किसी भी नंबर की हमने एन कोई नंबर है तो उसके उतने मल्टीपल लिए तो उनका एवरेज क्या होगी नंबर इनटू जो नंबर होगा Into N N, क्या है एन मल्टीपल्स जितने वो मल्टीपल्स हमने लिए हैं प्लस वन अपॉन टू तो ये फार्मूला होगा उसके लिए और नेक्स्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं इफ अ पर्सन कवर्स अ सर्टन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ ए किलोमीटर पर आवर एंड अगेन कवर द सेम डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ बी किलोमीटर पर आवर देन द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी दिस जर्नी इक्वल टू टू आईस इन टू अपॉन ए प्लस बी अगर कोई बंदा एक डिस्टेंस कवर करता है ये ए किलोमीटर पर और की स्पीड से और फिर सेम डिस्टेंस वही सेम डिस्टेंस उतना ही चाहे वो पहले टेन किलोमीटर था फिर बाद में फिर टेन किलोमीटर डिस्टेंस करता है लेकिन स्पीड इस वक्त चेंज होती है बी किलोमीटर ये डिफरेंट है ये डिफरेंट स्पीड है तो एवरेज स्पीड होल जर्नी की कितनी होगी मतलब टोटल जर्नी कि कितनी एवरेज स्पीड होगी वो होगी ट्वाइस इंटू ए बी अपॉन ए प्लस बी एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन ठीक है फॉर एग्जांपल जैसे यहां तक टेन किलोमीटर है इसको इसने यहां से यहां तक चला एक किलोमीटर लगे फिर यहां से यहां तक फिर टेन किलोमीटर है या टेन किलोमीटर है इस पॉइंट से इस यहां तक भी टेन लग और यहाँ पे स्पीड है बी किलोमीटर पर आर ठीक है डिस्टेंस सेम है लेकिन स्पीड डिफरेंट हुई तो एवरेज स्पीड क्या आएगी होल जर्नी की वो आएगी ट्वाइस इंटू ए बी अपन ए प्लस बी और यही फार्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं इफ ए गोज फ्रॉम पी टू q विद स्पीड एक्स किलोमीटर पर आर एंड रिटर्न फ्रॉम q टू पी विद स्पीड बाई किलोमीटर पर आवर देन द एवरेज स्पीड ऑफ टोटल जर्नी इज एवरेज पीज होता है टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम इक्वल टू टू एस एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई यहाँ ए की जगह पे एक्स है और बी की जगह पे वाई है लेकिन यहाँ पे सेम नहीं बोला है पीछे से बोला इतना बोला है कि पहले पी से क्यू की तरफ जाता है स्पीड है एक्स किलोमीटर फिर रिटर्न करता है क्यू से पी की तरफ आता है तो स्पीड है वाई किलोमीटर मतलब स्पीड चेंज हो गई और हमने एवरेज स्पीड यहाँ पे सेम नहीं बोला है लेकिन सेम हम हम यहाँ का कैसे देख सकते हैं क्योंकि P से Q की तरफ जा रहा है X किलोमीटर Q से P की तरफ आया तो Y किलोमीटर स्पीड तो डिफरेंट हो रही है लेकिन डिस्टेंस तो सेम है क्योंकि P से Q की तरफ जाओ या Q से P की तरफ आओ डिस्टेंस तो वही है ना P से Q वही डिस्टेंस होगा ये टेन किलोमीटर जब वापस आए यहां से यहां तो फिर भी वही डिस्टेंस होगा तो यहाँ पे सेम नहीं लिखा है लेकिन यहाँ पे सेम इधर क्वेश्चन में ही बन जाता है ठीक है तो सेम फार्मूला है ये भी टू एक्स वाई अपन एक्स प्लस वाई यहाँ एक्स है ए एक की जगह मतलब ए जो स्पीड है पहले और रिटर्न में जो स्पीड है वाई तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना वहाँ पे भी हमने किया था ए ट्वाइस इंटू ए बी अपन ए प्लस बी यहाँ पे है ट्वाइस इंटू एक्स वाई ट्वाइस एक्स वाई अपन एक्स प्लस वाई और एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम ये आपको पता ही होगा अब है ना हमारा फार्मूला नंबर टेन इफ अ पर्सन कवर्स थ्री इक्वल डिस्टेंसेज एट अ स्पीड ऑफ ए किलोमीटर पर आवर बी किलोमीटर पर आवर सी किलोमीटर पर आवर देन द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये सेम है जैसे ऊपर वाला है लेकिन फर्क इतना है कि वहां पे सिर्फ दो डिस्टेंस है यहाँ पे तीन डिस्टेंस है डिस्टेंस इक्वल है मतलब डिस्टेंस तीनों सेम है लेकिन स्पीड डिफरेंट है एक किलोमीटर है फिर बी किलोमीटर है तीन इक्वल डिस्टेंस है पहले डिस्टेंस के लिए ए किलोमीटर है स्पीड दूसरे के लिए है बी तीसरे के लिए है सी तो एवरेज स्पीड क्या होगी होल जर्नी की तो वो होगी थ्री ए बी सी अपन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए यहाँ पे था टू ए बी यहाँ पे है थ्री ए बी सी और नीचे है ए बी प्लस प्लस सी ए ठीक है तो ये होगी होल जर्नी की एवरेज स्पीड जब थ्री इक्वल डिस्टेंसेस हों डिस्टेंस तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और फर्स्ट पार्ट को एक किलोमीटर पर एक किलोमीटर पर आर की स्पीड से कवर करता है सेकंड पार्ट को बी किलोमीटर पर आर की स्पीड से और थर्ड को सी किलोमीटर पर आर की स्पीड से और अब नेक्स्ट फार्मूला है हमारा फार्मूला नंबर अलेवन ये भी इम्पोर्टेंट है इम्पॉर्टेंट सारे ही हैं इफ द गिवन ऑब्जर्वेशन एक्स आर अक्रिंग विद सर्टन फ्रिक्वेंसीज देन अगर ऑब्जर्वेशन observation, कोई ऑब्जर्वेशन हैं वो कुछ फ्रिक्वेंसी के साथ अक्कर कर रही हैं फ्रिक्वेंसी मतलब कितनी बार अक्कर कर रही है? मतलब एक्स है ये दस बार अकर, वो ये कर रही है फ्रिक्वेंसी का मतलब वही है कितनी बार वो कर रही है अक्कर तो वही होती है फ्रिक्वेंसी अगर वो दस बार हो या टेन बार हो तो वही है ये ये ट्वेंटी बीस बार हो या थर्टी टाइम्स हो वो कोई ऑब्जर्वेशन हो रही है तो उसको ये हम बोलते हैं विद सर्टन फ्रिक्वेंसी तो एवरेज क्या होगी ए वन इंटू एक्स वन प्लस ए टू इंटू एक्स टू प्लस एन प्लस ए एन एक्स एन अपान एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स एन मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपान में है जैसे कि इसका मतलब है अगर एक्स वन ऑब्जर्वेशन है ये कितनी बार रिपीट हो रही है फ्रिक्वेंसी मतलब इतनी बार रिपीट हो रही है ए वन टाइम रिपीट हो रही है तो ए वन टाइम ही हमने करना है ए वन का मतलब यहां पे कुछ भी हो सकता है ये दस भी हो सकता है बीस भी हो सकता है इसको मल्टीप्लाई करना है अगर इसी तरह अगर एक्स टू फ्रिक्वेंसी ए टू टाइम रिपीट हो रही है ए टू टाइम अक्कर कर रही है तो इसको एक्स टू को मल्टीप्लाई करना है इससे और इसकी भी वैल्यू कुछ भी हो सकती है इसी तरह जब हम ये कंटिन्यू करेंगे ए एन पर और एक्स एक्स एन फ्रिक्वेंसी जो है ये रिपीट हो रही है ए एन टाइम्स जितनी टाइम रिपीट हो रही है उतनी टाइम इससे मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्जर्वेशन को और अपान में आएगा जो ऑब्जर्वेशन है उनका सम एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स वन प्लस एक्स एन ठीक है अब ये एन टर्म्स के लिए था जर्नल फार्मूला ये यहां से हम दो का भी निकाल सकते हैं तीन का भी चार का भी जितने का भी हमने निकालना हो या एक का भी फॉर एग्जाम्पल एक ही टर्म हो एक्स वन और वो आकर करे ए वन से फिर आएगा ए वन इंटू एक्स वन अपान एक्स वन अगर दो के लिए होता फिर आता है ए वन इंटू एक्स वन प्लस ए टू इंटू एक्स टू अपान एक्स वन प्लस एक्स टू उतनी जितने टर्म्स के लिए होगा उतना ही हमने फार्मूला यूज करना है यहां एंड के लिए है तो एंड तक जाना है वे आर ए वन ए टू एन आर फ्रिक्वेंसीज कितनी बार वो ऑब्जर्वेशन ओक्कर हुई है कितनी बार वो रिपीट हुई है होप आपको ये फार्मूला समझ आ गया होगा अब है हमारा फार्मूला नंबर ट्वेल्व इफ द एवरेज ऑफ एन वन नंबर इज ए वन एंड द एवरेज ऑफ एन टू नंबर इज ए टू दैन द एवरेज ऑफ टोटल नंबर टू एन वन इंटू ए वन प्लस एन टू इंटू ए टू अपन एन वन प्लस एन टू अगर एन वन कोई एन वन नंबर है उनकी एवरेज है ए वन और एन टू नंबर है उनकी एवरेज है ए टू सेम है ऊपर वाले फार्मूले की तरफ लेकिन यहां पर ऑब्जर्वेशन है यहां पर एवरेज है तो फिर एवरेज निकालेगी यहां टोटल नंबर की एन वन और एन टू की एन वन मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है टेन ट्वेंटी थर्टी इतने नंबर की एवरेज है ए वन ए वन भी कुछ भी नंबर हो सकता है ठीक है इंटीजर कुछ भी हो सकता है और एन टू भी कोई भी नंबर हो सकते हैं टेन ट्वेंटी थर्टी हंड्रेड जितना भी हो तो फिर जब हम टोटल एवरेज निकालेंगे टोटल नंबर की एवरेज निकालेंगे मतलब जितने नंबर ये हैं उतने और जितने नंबर ये हैं इन सब का जो टोटल एवरेज निकालेंगे सम के बाद तो वो एवरेज कितनी होगी वो होगी एन वन जितनी बार ये जितने ये नंबर हैं इनको मल्टीप्लाई करना है जितनी इनकी एवरेज होगी एन वन इंटू ए वन जैसे ऊपर किया था ए वन इंटू एक्स वन वैसे ये भी है प्लस एन टू इंटू ए टू अपान एन वन प्लस एन टू ठीक है जितने ये नंबर हैं उनका सम एन वन कोई नंबर है एन टू भी कोई नंबर है इनका सम अपान में और अपन में ऊपर आएगा एन वन इंटू ए वन प्लस एन टू इंटू ए टू और अब लास्ट फार्मूला है हमारा इस वीडियो का वो है फार्मूला नंबर थर्टीन इफ इन द ग्रुप ग्रुप ऑफ एन पर्सन अ न्यू पर्सन कम्स एट द प्लेस ऑफ अ पर्सन ऑफ टी इयर्स एज अगर एन पर्सन का ग्रुप है एन मतलब कुछ भी हो सकता है टेन ट्वेंटी फिफ्टीन थर्टीन एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ग्रुप है इतने बंदों का और एक नया बंदा आता है किसी किसी और की जगह पे और मतलब उसने उसको रिप्लेस किया पहले वाले बंदे को ग्रुप में से और जो रिप्लेस हुआ उसकी एज है टी ईयर्स अ न्यू पर्सन कम्स एट द प्लेस ऑफ अ पर्सन ऑफ टी ईयर्स एज टी ईयर भी कुछ भी हो सकता है ये भी कोई नंबर है ठीक है और कोई नया बंदा आया और उसने किसी और की जगह पे आया जो ग्रुप में था उसकी जगह पे आया और उस जो ग्रुप में बंदा चला गया उसकी एज थी टी ईयर्स देन फिर क्या होगा ये दो फार्मूले हैं इफ द एवरेज एज इंक्रीज बाय टी ईयर अगर इस ग्रुप की जो जितने भी बंदे हैं उनकी एवरेज इंक्रीज होती है टी ईयर से देन द एज ऑफ न्यू पर्सन जो नया बंदा आया उसकी एज क्या होगी टी प्लस एन टी टी कौन सा जिसको उसने रिप्लेस किया जिस एज वाले बंदे को वो जितनी उसकी एज थी जो रिप्लेस हुआ और प्लस एन टी एंड है नंबर ऑफ पर्सन कितने थे उस ग्रुप में और टी जितने जितनी एवरेज एज इंक्रीज हुई ठीक है और दूसरा वाला डिक्रीज के लिए माइनस है इफ द एवरेज एज डिक्रीज अगर एवरेज एज एवरेज एज उस ग्रुप के बंदों की डिक्रीज हुई कितने से टी ईयर से स्मॉल टी ईयर से देन एज ऑफ न्यू पर्सन क्या होगी टी माइनस एन टी सेम ऐसे टी है जिसको उसने रिप्लेस किया एन है नंबर ऑफ पर्सन टी है जितनी से डिक्रीज हुई सिर्फ इस पर इंक्रीज के लिए प्लस था और डिक्रीज के लिए माइनस था तो ये ऐसा हमारा पहला लेक्चर परसेंटेज का और इसमें हमने सिर्फ फार्मूले ही पढ़े और अब आगे हम क्वेश्चन करेंगे जितने भी हमसे हो सके दो तीन लेक्चर में तो फिर इस टॉपिक को भी कंक्लूड करेंगे और ये फार्मूले याद कर लेना लिख लेना इनको ये आगे भी हेल्पफुल रहेंगे आप खाली एक ही एग्जाम के लिए नहीं आगे भी एक काम आएंगे जितने भी आगे जहां भी अभी मैथमेटिक्स होगा आपको सिलेबस में और ये इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि मैथमेटिक्स में फार्मूले ही अगर ना आए तो फिर क्वेश्चन निकलना बहुत मुश्किल है नामुमकिन ही है समझो कुछ ही क्वेश्चन निकल पाएंगे ऐसे नहीं निकाल पाओगे आप एग्ज़ाम हाल में तो निकल ही नहीं सकता क्योंकि उधर टाइम कम होता है तो वीडियो को आप कंक्लूड करते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग